नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, सहरसा से अमृतसर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में एक लड़की के साथ हुई छेड़खानी। हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा वो लड़का। आखिर उस लड़की के साथ सहरसा से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में क्या हुआ था और रेल प्रशासन इस तरह के घटना को रोकने में असफल साबित क्यों हो रही है, क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार वो लड़की लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। बोगी के भीतर एक युवक ने उससे मोबाइल नंबर मांग कर ली। युवती का हाथ पकड़ कर जनरल नंबर मांगने लगा। लड़की के विरोध करने पर वो अभद्र तरीका से व्यवहार करने लगा, जिसके बाद वो लड़की काफ़ी डर जाती है और इसकी सूचना अपने पिता को देती है। इसके बाद यह मामला मुजफ्फरपुर थाना तक पहुंच जाता है। युवती ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में रेल थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि 0 FIR दर्ज की जा रही है। मामला गोरखपुर के समीप का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायत में युवती ने पुलिस को बताया कि वो मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली है। उस लड़की की टिकट सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस में थी। वो लखनऊ जाने के लिए निकली थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन की बोगी संख्या 13 में बैठ के वो लखनऊ के लिए निकली थी, लेकिन एक युवक बगल में जाकर बैठ जाता है और हाथ पकड़ने लगता है। वो लगातार मोबाइल नंबर की मांग करने लगता है। नंबर नहीं देने पर वो अलग तरीका से लड़की को टच करने लगता है, जिसके बाद लड़की काफ़ी डर जाती है। वो अपने पिता को कॉल कर मामले की जानकारी देती है, जिसके बाद उसके पिता का भी तबीयत बिगड़ जाता है। वो किसी तरह लखनऊ उतर जाती है, जिसके बाद वो अपने परिचित के यहाँ चली जाती है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। इसके बाद रेलवे कंट्रोल रूम को इस घटना की शिकायत दी जाती है, जिसके बाद GRP ने इस मामला को दर्ज कर लेता है और लड़की ने रेल थाना मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बाकी इस टाइप की घटना को आप कैसे देखते हैं, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।